गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल। आज अपन डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में अपन ने डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जो इलेक्टिव पेपर सेकंड है, और वहां पर अपन ने पढ़ा था कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है और कुछ ऐसे टर्म्स की भी स्टडी की थी जो डिस्कनेक्शन अप्रोच के रूप में काम में आते हैं, जैसे सिंथोन्स, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच, इन चीजों के बारे में अपन ने स्टडी की थी। तो यहां पर आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ा और डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में देखा कि जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है, रेट्रोसिंथेसिस है, उसके द्वारा अपन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सिंथेसिस और उनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में जानते हैं। और डिस्कनेक्शन प्रोसेस एक रिवर्स प्रोसेस है जिसके अंदर टारगेट मॉलिक्यूल्स है, उस टारगेट मॉलिक्यूल्स का रिलायबल डिस्कनेक्शन करके और इस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं कि जो डिस्कनेक्टेड पार्ट हैं वो जब उनकी रिएक्शन हो तो वो रिएक्शन रिलायबल हो, वर्केबल हो, और उस रिलायबल वर्केबल रिएक्शन के द्वारा वापस अपने को टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो। तो इस तरीके से जो डिस्कनेक्ट करना है ग्रुप्स का, एटम्स का, वो डिस्कनेक्शन अप्रोच कहलाता है, और इसकी ज्यादा जानकारी पिछले वीडियो में दे दी गई थी। आज इसी तरीके का एक टर्म्स है डिस्कनेक्शन अप्रोच में, FGI। तो आज अपन पढ़ते हैं कि FGI क्या होती है, कब इसका यूज में लाते हैं, और डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर FGI का क्या यूज होता है। तो देखिए, FGI होता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है, FGI है। तो FGI इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप बाय सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, फॉर द यूज इन रेट्रोसिंथेसिस। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप FGI की अपने को क्यों नीड होती है, FGI की अपने को क्यों आवश्यकता होती है, कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में उसको अपन पढ़ते हैं। तो आप एक एग्जांपल देखिए और उस एग्जांपल के बाद में अपन इसको समझते हैं, और उस एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि FGI होता क्या है और कब इसको यूज में लेते हैं, कब। तो FGI है, जैसे इसकी डेफिनेशन दी है, तो FGI की जो डेफिनेशन है इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, जैसे इसके नाम से ही है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उस कंपाउंड को अपन, उस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं, और उसको चेंज करने में जो रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उन किसी का भी अपन यूज करके एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं। ओके, यहां पर बात यह है कि अपन एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज क्यों करते हैं, है ना, चेंज तो करते हैं, पर चेंज करने की कहां आवश्यकता होती है, उसको क्यों चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड्स के अंदर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे आप यू देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड्स है, और इस कंपाउंड्स में अपन देखेंगे कि यहां पर ये जैसे NH2 और यहां पर ये COH, तो आप यहां पर देख रहे हो कि
यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, एक NH2 फंक्शनल ग्रुप और दूसरा COH फंक्शनल ग्रुप। यहां NH2 और COH फंक्शनल ग्रुप है, यदि आप इस कंपाउंड का रेट्रोसिंथेसिस करवाते हैं या किसी फंक्शनल ग्रुप को आप डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके, इसको आप यहां पर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहां पर आप देखिए NH2 और ये COOH यहां माइनस कर दो, प्लस कर दो, ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए कि इस तरीके से जो डिस्कनेक्शन करना है वो रिलायबल नहीं है, वो वर्केबल नहीं है, वो गुड चॉइस नहीं है, या इस तरीके से डिस्कनेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि इसी एनालिसिस का, एनालिसिस का मतलब रेट्रोसिंथेसिस से ही है, यदि इस एनालिसिस का रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन का मतलब अपन डिस्कनेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, ये टारगेट मॉलिक्यूल से है, उस टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्शन करके ये क्या है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से है। अब डिस्कनेक्शन इस टाइप से होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर के टारगेट मॉलिक्यूल बनाने चाहिए, ओके, समझ रहे हो ना ये। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर के जब जो रिएक्शन देते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो वास्तव में होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेगमेंट आ गए और उस फ्रेगमेंट को तोड़ तो दिया अपन ने, डिस्कनेक्ट तो कर दिया, परंतु डिस्कनेक्ट के बाद में जो अपन ने जो स्टार्टिंग मटेरियल्स बनाए हैं उनकी रिएक्शन होकर के यदि टारगेट मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्कनेक्शन का रॉन्ग चॉइस है, वो डिस्कनेक्शन करेक्ट नहीं है, ओके। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्कनेक्शन तो अपन ने कर दिया है ऐसा, और इसके डिस्कनेक्शन में अपन ने इस जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया, समझ रहे हो ना, इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया, परंतु आप देखोगे कि इस तरीके की कोई रिएक्शन नहीं है कि अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसी COOH समूह से करवा दें। ऐसे कौन से समूह से करवा दें, कौन से कंपाउंड से करवा दें इसकी रिएक्शन कि यहां पर ये COOH समूह जुड़ जाए। तो ये जो च्वाइस है, ये जो डिस्कनेक्शन है, ये डिस्कनेक्शन है, ये रॉन्ग डिस्कनेक्शन है, रॉन्ग डिस्कनेक्शन है। तो यहां पर इस तरीके से ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को यदि इसको यदि यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं तो यहां पर ये आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ये रेट्रोसिंथेसिस का एरो है, यहां पर इसको डिस्कनेक्शन कीजिए आप, और यहां पर डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहां पर आप देखिए COOH प्लस NH2। अब यहां NH2 की क्या जोड़ोगे, R या और कोई सब्स्टिट्यूट, तो फिर भी यदि उसकी और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है, इन स्टार्टिंग मटेरियल्स की जो रिएक्शन है वो वर्केबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं होने के कारण से इस टारगेट मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से डिस्कनेक्शन अप्रोच है, इनका जो डिस्कनेक्ट की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सही नहीं है, ओके। तो यदि किसी कंपाउंड में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनके जो सब्स्टिट्यूट हैं उन सब्स्टिट्यूट का डिस्कनेक्शन रॉन्ग होता है, सही नहीं होता है, तो फिर उस समय आवश्यकता होती है एफजीआई की, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप जो इंटरकन्वर्जन की आवश्यकता होगी, तो फिर उसमें जैसे आप इसको, ये तो डिस्कनेक्ट गलत हो रहा है ना, ये तो गलत चीजें हैं। अब इसको अपन सही करके देखें, है ना, कि किस तरीके से एफजीआई करके किस तरीके से उसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन वर्केबल होगी, ओके। तो उस कंडीशन में अपन इसका डिस्कनेक्शन देखते हैं। तो आप देखिए इसी को देख लेते हैं, एक मिटा देता हूं एक पॉसिबिलिटी को। यहां पर यूं समझिए आप कि ये इस तरीके से है,
ये इस तरीके से। ओके, यहां पर ये जो COH समूह है और यहां पर ये NH2 समूह है, यहां पर ये रेट्रोसिंथेसिस और COH, और यहां पर अपन लिख सकते हैं NO2। ठीक है, यहां पर NO2 है तो यहां पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है FGI। ठीक है, यहां देखिए आप, ये FGI है, इसका मतलब, और ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, रेट्रोसिंथेसिस है, तो इसका मतलब आप यूं देखिए कि ये इसमें चेंज हो रहा है ना, इसको अपन रिवर्स देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि NH2 समूह NO2 में चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं, इसको रिवर्स माइंड सेटअप करेंगे अपना कि NO2 है वो किसमें, NO2 है वो किसमें चेंज हो रहा है, NH2 में, इसमें उल्टा देखते हैं, इधर से इधर नहीं देखेंगे, इधर से इधर देखेंगे, ये इसमें बेंजीन रिंग है ही है। यहां पर NH2 की जगह अपन ने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। ठीक है, NO2 लगा दिया तो यहां पर ये देखिए NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है, उस NH2 फंक्शनल ग्रुप को NO2 फंक्शनल ग्रुप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है, और ये जो चेंजेज है वो किसके द्वारा हो रहा है, थ्रू रिडक्शन प्रोसेस। तो यहां पर ये जो है, ये यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी NH2 समूह है वो NO2 में चेंज करवा दिया, तो ये तो क्या है, रेट्रोसिंथेसिस। अब अपन इसको रिएक्शन के रूप में पढ़ेंगे तो होगा क्या, NO2 और ये किसमें, NH2। देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये जो है ये रेट्रोसिंथेसिस है, ये जो है ये सिंथेसिस है, इसको अपन एनालिसिस भी बोलते हैं, और ये जो है इसको अपन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच या रिवर्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहां ये एक्चुअल में ये जो यदि एरो काम में ले रहे हैं, मतलब रेट्रोसिंथेसिस की स्टडी कर रहे हैं, तो अपने को ये माइंड में रखना है कि इससे ये बन रहा है। ठीक है, और रिएक्शन होती है उसमें अपन रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर जैसे NO2 को NH2 में इंटरकन्वर्जन किया है, तो ये रिडक्शन के द्वारा करेंगे। यहां पर अपन हाइड्रोजन और पैलेडियम काम में ले सकते हैं, स्टेनलेस टू और HCl काम में ले सकते हैं, मतलब उनके द्वारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में अपन NO2 समूह को किसमें चेंज कर सकते हैं, NH2 समूह में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बात, समझ, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि ये जो है, अब ये जो रिएक्शन है ये वर्केबल रिएक्शन है। कैसे है रिएक्शन वर्केबल, ये कंपाउंड है, ये स्टार्टिंग मटेरियल से है, ये इससे रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं अपन, इससे रिएक्शन करवाएंगे, इससे तो क्या कर रहे हैं, रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो है, यहां पर ये स्टार्टिंग मटेरियल्स है, और इस स्टार्टिंग मटेरियल्स का यदि अपन रिडक्शन कर दें, रिडक्शन प्रोसेस इसको, रिडक्शन कंडीशन इसको अवेलेबल करवाएं, तो रिडक्शन कंडीशन अवेलेबल करवाएंगे तो यहां पर NO2 जो समूह है वो NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां NO2 समूह NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाएगा, और NO2 समूह इजीली NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये वर्केबल रिएक्शन है, रिलायबल रिएक्शन है। और यहां पर ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो यहां पर अपन देखते हैं कि NO2 जो प्लस है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है नाइट्रोनियम आयन, जो एज ए किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा इसको आसानी से अपन किसी भी एरोमेटिक रिंग है उसके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके अपन ऐड करेंगे, तो एक FGI तो ये है। आप इसको अपन पूरे एग्जांपल को देखते हैं, एक बार एनालिसिस देखेंगे और एक बार सिंथेसिस देखेंगे, तो अपने एकदम क्लियर हो जाएगा कि FGI होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और किस किस तरीके से FGI करवाते हैं, और इस FGI करवाने की कहां पर आवश्यकता होती है। इन सभी क्वेश्चन का जो अपने को आंसर है वो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद में मिलेगा। तो ये और देखिए, यहां पर आप देखिए इस कंपाउंड्स को, देखिए आप इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेंजोइक एसिड है।
ठीक है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में आप देखिए कि COH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, और कार्बोक्सिलिक जो समूह है वो मेटा डायरेक्टिंग समूह होता है, और मेटा डायरेक्टिंग समूह है तो मेटा डायरेक्टिंग समूह की प्रेजेंस में आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, कि वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच होता है। यहां पर NO2 समूह है, ये ऐसा मानने हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में रिएक्शन से अपन जोड़ सकते हैं, तो ये यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग समूह की प्रेजेंस में NO2 समूह पैरा पोजीशन के ऊपर नहीं जुड़ सकता। ओके, तो ये जो रिएक्शन है, यदि इसको देखिए, आप एक बार इसको देखिए, यहां पर ऐसे इसको लिख दें अपन, ये एक बार, और यहां पर NO2 प्लस, ये तो नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रेटिंग जो मिक्सर है उससे आ जाएगा ये, और ये बेंजोइक एसिड है जो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, दोनों बातें सही है, ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स अवेलेबल भी हैं और इनकी अपन रिएक्शन भी करवा दें। आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो ये नाइट्रोनियम आयन है, ये कहां पर जुड़ेगा, इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा, और मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा तो यहां पर ये जो नाइट्रोनियम आयन है वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, न कि पैरा पोजीशन के ऊपर, और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच नहीं होगा। तो यदि मान लीजिए इसका डिस्कनेक्शन अपन इस तरीके से करवाते हैं और इन स्टार्टिंग मटेरियल से अपन ये टारगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये टारगेट मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो इससे ये क्लियर है कि ये जो बेंजोइक एसिड की और नाइट्रोनियम आयन का इस तरीके से जो डिस्कनेक्शन होकर के जो बन रहा है, तो इन दोनों की ये जो रिएक्शन है ये फिर मैं कहूंगा कि रिलायबल और वर्केबल नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक बार फिर देखिए क्या करते हैं यहां पर, तो ये जो चीज है ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं है, तो फिर यहां पर इसका डायरेक्ट यहां से डिस्कनेक्शन नहीं करवाते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, फिर एफजीआई करवाते हैं। तो देखिए एफजीआई कैसे करवाएंगे, ये एफजीआई देख रहे हैं क्या किया है, COH समूह का रिट्रो एनालिसिस में CH3 समूह में चेंज कर दिया, और CH3 है, इसकी रिएक्शन देखेंगे तो CH3 समूह को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, COH समूह में चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन के द्वारा, KMnO4 के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा CH3 समूह को किस में चेंज कर देंगे, COH समूह में चेंज कर देंगे, और COH समूह में चेंज कर देंगे तो ये देखिए FGI करवा दिया अपन ने, ऑक्सीडेशन, यहां पर FGI है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये बात आप एक बार और मैं आपको कह रहा हूं, वैसे आप समझ रहे होंगे, फिर भी नहीं समझ रहे हो तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो ऑक्सीडेशन है वो जैसे यहां लिखा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन इस COH का नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन इस CH3 का हो रहा है, और इस CH3 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये COH में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको, इस रिएक्शन को ऐसे देखना है, यहां पर जैसे जो FGI है वो अपन किसके द्वारा देख रहे हैं, रिडक्शन के द्वारा, तो यहां पर ये नहीं देखना है कि NH2 का रिडक्शन होकर के NO2 बना है, ऐसे नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना है क्योंकि ये रिट्रोसिंथेसिस है, तो इसको ऐसे समझना है कि NO2 का रिडक्शन होकर के क्या बना है, NH2 बना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अपन इसको, अब यहां पर FGI है, FGI कर दिया यहां पर, अब इसका देखिए डिस्कनेक्शन करवाइए, डिस्कनेक्शन यहां से करवा दीजिए, यहां से करवा देंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये टोलुइन और यहां पर ये नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए आप, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा, जैसे आपने पहले देखा ना, पहले किसमें चेंज किया था, बेंजोइक एसिड में और किसमें, नाइट्रोनियम आयन में। अब देखिए एफजीआई के बाद में ये किस में चेंज होगा, टोलुइन में और नाइट्रोनियम आयन में। ओके, यहां पर आप टोलुइन को देखिए, टोलुइन में CH3 समूह है, एक्टिवेटिंग समूह है, और जो मैथिल समूह है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो CH3 समूह की प्रेजेंस में आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो
ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ेगा और पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन है वो इजीली से कहां जुड़ सकता है, पैरा पोजिशन के ऊपर जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हो सकती है या नहीं हो सकती, वर्केबल है या वर्केबल नहीं है, ये रिएक्शन क्या है, वर्केबल है, हो सकती है। टोलुइन का नाइट्रीकरण करवा देंगे तो टोलुइन के नाइट्रीकरण से इस तरीके का सा कंपाउंड अपने को जरूर प्राप्त होगा। ये रिएक्शन है वो रिलायबल है। एक बार फिर मैं रिलायबल वर्केबल दो शब्द बार बार यूज कर रहा हूं, तो और उसका मन जो मकसद है वो भी यही है कि रिएक्शन रिलायबल और वर्केबल जरूर होनी चाहिए, ये इनके लिए नेसेसरी कंडीशन है डिस्कनेक्शन के लिए। ओके, तो यहां पर ये इसकी रिएक्शन होगी तो ये इस तरीके से ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा ना, ये पैरा पोजिशन पर जुड़ जाएगा, ये पॉसिबल होगा। फिर इसका अपन क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये COH में बदल जाएगा। फिर इसका क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें तो ये NH2 में बदल जाएगा और अपने को टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिट्रोसिंथेसिस। इसका आप एक सिंथेसिस देख लीजिए, है ना, इसको सिंथेसिस में क्या है अपने को रिवर्स, ये रिट्रोसिंथेसिस में तो अपन रिवर्स देखते हैं, अब सिंथेसिस में अपन क्या देखेंगे, जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं अपन जनरली रिएक्शन पढ़ते हैं उस तरीके से रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं इस एग्जाम्पल को यहां पर लिख देता हूं, सिंथेसिस ठीक है, सिंथेसिस में देखिए स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या आ रहा है, टोलुइन आ रहा है। ठीक है, टोलुइन से और भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, बेंजीन कर सकते हैं और CH3 कर सकते हैं। तो बेंजीन का अपन क्या कर दें, एल्काइलेशन करवा दें तो अपने को क्या प्राप्त होता है, टोलुइन प्राप्त होता है। पर बेंजीन है, टोलुइन है, ये इजीली अवेलेबल है, तो अपन बेंजीन तक भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और टोलुइन तक भी अपन रख सकते हैं क्योंकि टोलुइन भी अवेलेबल है। या आगे के ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में एक रूल्स है कि जो कंपाउंड्स हैं वो जो अपने को इजीली अवेलेबल हैं उनका फर्दर डिस्कनेक्शन की अपने को कोई जरूरत नहीं होती है, फर्दर डिस्कनेक्शन उनका नहीं करवाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहां पर देखिए टोलुइन और टोलुइन का अपन क्या करवाएंगे, नाइट्रीकरण, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। यहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सर के द्वारा करवाने पर दो प्राप्त होते हैं, यहां पर अपन कौन सा चूज करते हैं, पैरा वाला, ऑर्थो पैरा दो होते हैं ना, तो ये पैरा पोजिशन के ऊपर नाइट्रीकरण हो गया, NO2 हो गया। उसके बाद में यहां NO2 के बाद में इसका अपन क्या करवाते हैं, ये है ना, ये आ गया, फिर इसका अपन क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके द्वारा करवाएंगे, KMnO4 के द्वारा, और KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहां पर CH3 समूह का ऑक्सीडेशन होकर के क्या बन जाएगा, COH, और यहां पर ये NO2। ठीक है, फिर इसका फर्दर जो रिएक्शन होगी उसमें अपन इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन किससे, H2 पैलेडियम या टिन या क्या लेते हैं, HCl, और इसके द्वारा रिडक्शन करवाएंगे तो यहां पर ये क्या है, COOH, और यहां पर ये क्या है, NH2। ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल्स, ये जो है ये टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप देखिए ये रिएक्शन वर्केबल है या नहीं है, वर्केबल है, तो ये बन सकता है, जरूर बनेगा। इसका ये ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन करवा दें तो ये बनेगा, एक दो तीन, ये सारी की सारी रिएक्शन है वो क्या है, वर्केबल रिएक्शन है। वर्केबल रिएक्शन ये पॉसिबल कब हुई, वर्केबल और रिलायबल रिएक्शन का होना पॉसिबल कब हुआ, जब अपन ने क्या किया, इस कंपाउंड का FGI किया। यदि आप FGI नहीं करते तो अभी मैं पहले भी लिखा था कि इसका यदि आप FGI न करके डायरेक्ट इसका क्या करवाते, आप डिस्कनेक्शन करवाते, तो डायरेक्ट डिस्कनेक्शन करवाने पर यहां पर आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है NH2+ वाली, ये रिएक्शन रिलायबल नहीं है, इन दोनों से ये टारगेट मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है।
और टारगेट मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है तो ये डिस्कनेक्शन है वो नहीं करवाना चाहिए और ये डिस्कनेक्ट इस तरीके से नहीं होंगे। तो फिर अपन ने क्या किया है, तो यदि किसी कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूट है वो इस नेचर के हो या किसी ऐसी पोजीशन से जुड़े हुए हो जिसका डिस्कनेक्शन है, वो करवाने पर स्टार्टिंग मटेरियल्स जो बनते हैं उनकी जो रिएक्शन है वो रिलायबल और वर्केबल नहीं होती है, तो फिर अपने को उसका डिस्कनेक्ट डायरेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करके पहले उनका एफजीआई करवाते हैं और एफजीआई करके वो उनको जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं उनकी राइट पोजीशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूट है उनकी जो उनका जो नेचर है उनकी जो डायरेक्टिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग उनका एफजीआई करवाते हैं और एफजीआई के बाद में फिर उनको इस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल्स बनते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स आपस में रिएक्शन करके वो टारगेट मॉलिक्यूल्स बना सके। ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि एफजीआई क्या होता है, एफजीआई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एफजीआई है वो इस तरीके से एफजीआई है। एफजीआई में यहां पर एफजीआई करवाने के लिए अपन कई रिएक्शंस काम में लेते हैं, जैसे अभी अपन ने दो रिएक्शन काम में ली ना, यहां पर रिडक्शन है और क्या ली है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से एडिशन भी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, एलिमिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में इसको और इसको बताता हूं एफजीआई को कि किस किस तरीके से कौन कौन सी मेथड्स काम में लेते हैं और जिसके द्वारा अपन फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करवा करके प्रॉपर डिस्कनेक्ट उसको करवा सकते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो आप करके इस बारे में पूछ सकते हैं।